संसद के शीतकालीन सत्र में आईपीसी और सीआरपीसी में बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों को आज के दौर के हिसाब से ढाला गया है। ब्रिटिश काल से चले आ रहे सजा देने वाले कई प्रावधानों को हटाया गया है और कुछ आपराधिक मामलों को नए कानून में जोड़ा गया है। जैसे एक्सीडेंट के मामलों को ही ले लीजिए। सड़क दुर्घटना के मामलों को दो तरह से देखा जाता है। पहला, एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार आरोपी पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दे। दूसरा, एक्सीडेंट में व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार आरोपी घटनास्थल से भाग जाए। इसे आमतौर पर हम हिट एंड रन भी कहते हैं। इस तरह के मामले में पुलिस जांच करके उसे गिरफ्तार करती है। सड़क दुर्घटना के ऐसे मामले जिनमें किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, उनमें आरोपी ने चाहे आत्मसमर्पण किया हो या फिर मामला हिट एंड रन का हो, दोनों ही मामले एक ही कानून के तहत चलते थे जिसमें 2 साल की अधिकतम सजा दी जाती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने आईपीसी को भारतीय दंड संहिता में बदलते हुए इस कानून में भी कुछ बदलाव किए हैं। सरकार ने हिट एंड रन के मामलों को ज्यादा गंभीर माना। हिट एंड रन को असंवेदनशील मानते हुए, इनसेंसिटिव मानते हुए, उसके लिए अलग से कानून जोड़ा है। भारतीय दंड संहिता में दुर्घटनाओं में होने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए धारा 106(1) और 106(2) बनाई गई है। धारा 106(1) के तहत लापरवाही की वजह से हुई दुर्घटना अगर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनती है और जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आती है, उस केस में अधिकतम सजा 5 साल और जुर्माना लगाया जाता है। इस धारा में हिट एंड रन मामलों के लिए धारा 106(2) अलग से जोड़ी गई है। इसके तहत सड़क पर लापरवाही की वजह से हुई दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है और घटना के तुरंत बाद आरोपी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है, तो उस मामले में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हमने आपको सामान्य दुर्घटनाओं में हुई मौत के आरोपी और हिट एंड रन के आरोपियों को मिलने वाली सजा के बारे में इसलिए बताया क्योंकि इस कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। देश भर के ट्रक, बस, डंपर चलाने वाले इस कानून के विरोध में चक्का जाम किए हुए हैं। उन लोगों की मांग है कि केंद्र सरकार हिट एंड रन वाले कानून खत्म कर दे। उनका कहना है कि इस मामले में सजा के वर्ष बहुत ज्यादा हैं। ट्रक बस चालकों का मानना है कि इस कानून को खत्म करना चाहिए। उनका आरोप है कि इस तरह के कानून बनाने से पहले इस व्यवस्था से जुड़े जिम्मेदार लोगों से बात नहीं की गई। हालात ये है कि हिट एंड रन कानून के विरोध में हो रहे चक्का जाम का असर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में ज्यादा दिख रहा है। देश के 10 राज्यों में चक्का जाम का असर पड़ा है। ट्रांसपोर्टर सामान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा रहे। ट्रक चालकों ने काम करने से मना कर दिया है। यही नहीं, राज्य परिवहन से जुड़ी बसों के चालकों ने भी ड्यूटी पर आने से मना कर दिया है। ये जो काला कानून है, इसका एक ही हल है, इसको रिकॉल करें, इसको रिकॉल करें, इसको रिकॉल करें। द बॉल इज इन द गवर्नमेंट कोर्ट। गवर्नमेंट की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, उच्च अधिकारी की तरफ से संदेश जाना चाहिए चालकों को कि भाई आप चिंता मत करें, ये कानून हम गलती से ले आए थे, हमने स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं किए थे, आपका ओपिनियन नहीं लिए थे, हम इसको वही कानून रखें जो तो पहले था। आपको डिबेट करना है, आपको कोई और कुछ कार्रवाई करनी है, उसके लिए बात की बात है। अगर डिबेट करेंगे तो कई महीने निकल जाएंगे, लेकिन स्थिति जो बिगड़ती जा रही है, एक क्या रूप लेगी इसकी कोई कल्पना हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, सरकार भी नहीं कर सकती। और मजबूरन अगर 1-2 दिन और देरी हुई तो हमें अपनी ठोस नीति के साथ में, पहले ही ये हाल है देश का, अगर कल्पना करिए कि अगर AMTC यहां से कोई कॉल दे देता तो क्या रूप ले लेगा। अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े चालकों के चक्का जाम से देश में माल ढुलाई का काम फंसा हुआ है। स्थिति यह है कि कई शहरों में दूध, फल, सब्जियों की किल्लत हो रही है। कई राज्यों और शहर में पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी ठप पड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में 90% पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं क्योंकि वहां सप्लाई नहीं पहुंच पाई। यहां पर 1500 के करीब टैंकर चालक हड़ताल पर हैं। अगर ऐसे ही ये चक्का जाम चलता रहा तो आने वाले कुछ दिनों में जरूरत के सामानों की कीमतें बढ़ेगी क्योंकि आपूर्ति नहीं हो रही है।
हिट एंड रन कानून को लेके चक्का जाम है और कई जगह ट्रकों की हड़ताल की वजह से कई मंडियां महंगी हो चुकी हैं। इस समय हम दिल्ली के ओखला मंडी में खड़े हुए हैं, जहां पर आपको डेली पहुंचने वाले ट्रक जो यहाँ के आड़ती हैं, थोक के व्यापारी हैं, उनका माल लेके जो यहाँ ट्रक पहुंचते थे वो ट्रक नहीं पहुंचे हैं, जिसके कारण से कल से और आज में कई चीजों में रेट्स का अंतर आया है। अनाजपुर मंडी में चाहे व्यापारी थोक के हों या फुटकर के हों, सभी को ट्रक हड़ताल की वजह से महंगाई से जूझना पड़ रहा है और इस महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं जो फुटकर व्यापारी हैं उनको सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। माल ना पहुंच पाने की वजह से महंगाई बढ़ी है और यही स्थिति अगर रहती है तो थोक व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर हालात मुश्किल होते दिखेंगे और जिन रेट्स में अभी 10-15 रुपए का फर्क आया है वो दुगने भी हो सकते हैं। किस कदर यहाँ भीड़ है पेट्रोल के लिए, कई पेट्रोल पंप से जो ड्राई हो गए हैं, जिन्होंने बंद कर दिए हैं पेट्रोल पंप, लेकिन जो पेट्रोल पंप खुले हैं वहाँ पर बहुत ही लंबी लंबी कतारें हैं। लोग में ये खौफ है कि अगर पेट्रोल बिल्कुल बंद हुआ तो उनके वाहन कैसे चलेंगे, उनका कारोबार कैसे चलेगा। हालांकि यहाँ पे जो प्रशासन है, डिविजनल कमिश्नर ने अभी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें एक मंथ के लिए स्टॉक यहाँ पर है, लेकिन सवाल ये है कि स्टॉक डिपूज में है, अगर ऑयल टैंकर्स जो हैं जिन्होंने हड़ताल की है वो स्टॉक पेट्रोल पंप्स तक कैसे पहुंचेगा। वैसे तो हिट एंड रन कानून सभी तरह के वाहनों पर लागू होता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग होंगे जो अपना ज्यादातर समय सड़क पर वाहन चलाते हुए बिताते हैं। इनमें ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने वाले चालक ज्यादा हैं, इसीलिए ट्रक बस या डंपर चालकों को इस कानून से ज्यादा डर लग रहा है। अब सवाल ये है कि हिट एंड रन से जुड़े कानून को लेकर ट्रक डंपर या बस चालकों में डर आखिर है क्या? आमतौर पर हिट एंड रन के आरोपी बस ट्रक या डंपर चालक घटना स्थल से भाग जाते हैं। उन्हें डर होता है कि दुर्घटना के बाद वहां मौजूद भीड़ उनकी मॉब लिंचिंग कर सकती है, इसलिए ज्यादातर मामलों में दुर्घटना के बाद आरोपी चालक वहां से भाग जाते हैं। लेकिन यहां एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हिट एंड रन से जुड़ा कानून सभी पर लागू है। ये सामान्य कार चालक पर उसी तरह से लागू है जिस तरह से किसी ट्रक चालक पर लागू है। अगर सड़क पर बढ़ती गई लापरवाही की वजह से किसी की मौत होती है और अगर दोषी संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है तो उसको अलग नजर से देखा जाएगा, इसमें सजा भी कम है। वहीं अगर कोई आरोपी असंवेदनशीलता दिखाते हुए भाग जाएगा तो यकीनन उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां तक मॉब लिंचिंग के डर का सवाल है, ऐसे मामले में यह भी मुमकिन है कि बस या ट्रक चालक कुछ दूर आगे जाकर पुलिस को सूचना देकर आत्मसमर्पण कर दे, या फिर वो पुलिस से पीड़ित की जान बचाने का आग्रह भी कर सकता है। दोनों ही मामलों में दोषी को संवेदनशील व्यक्ति माना जा सकता है। हिट एंड रन सीधे सीधे एक ऐसा अपराध है जिसमें आरोपी अपराध के बाद अपराध से बचने की कोशिश में भागने का प्रयास करता है, उसे पीड़ित की जान की कोई फिक्र नहीं होती। इसको मॉब लिंचिंग से जोड़ना एक बहाना है। बस या ट्रक चालक ये बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में भारत एक लौता देश है जहां सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। भारत में हर साल औसतन 1.5 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में मरने वाले हर 10 लोगों में से एक भारतीय होता है। भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में करीब 33% मामले हिट एंड रन के होते हैं। औसतन हर साल सड़क दुर्घटना में मरने वाले 1.5 लाख लोगों में से 50,000 लोगों की मौत हिट एंड रन की वजह से होती है। आपको यह भी बता दें कि हिट एंड रन में मरने वाले 50,000 लोगों को अगर उस समय मदद मिलती तो करीब 50% लोगों की जान बच सकती थी। यानी दुर्घटना के आरोपी अगर पीड़ित को बचाने की कोशिश करें तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। यही वजह है कि हिट एंड रन को लेकर कानून और सजा के प्रावधानों में जो बदलाव किए गए हैं उसका एक मकसद पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रेरित करने से भी है। अगर गलती से आपसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो भागने के बजाय पीड़ित को अस्पताल पहुंचाना
आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मुमकिन है कि पीड़ित की जान बच जाए और सजा भी कम मिले। क्या बस और ट्रक चालक हिट एंड रन की वजह से मिलने वाली सजा से बचना नहीं चाहते? भारत ने आजादी के 76 वर्षों बाद दंड संहिता में बदलाव किया है। ये पहली बार है जब हिट एंड रन के मामलों को असंवेदनशील और गंभीर अपराध माना गया है। लेकिन दुनिया के कई देशों ने काफी पहले से ही सख्त नियम बना लिए थे। दक्षिण कोरिया में हिट एंड रन के मामले में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। यही नहीं, भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। अमेरिका में हिट एंड रन जिसमें पीड़ित की मृत्यु हो गई हो उसमें दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 30 साल तक की सजा का प्रावधान है और 10,00,000 रुपए तक जुर्माना भी होता है। यहां के अलग अलग राज्यों में सजा के लिए अलग अलग प्रावधान है। इसी तरह से इंग्लैंड में हिट एंड रन के मामलों में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को भारी जुर्माना और 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। इंग्लैंड में दोषी चालक पर 2 साल तक के लिए गाड़ी चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। कनाडा में हिट एंड रन के मामलों में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को 5 साल की सजा का प्रावधान है और भारी जुर्माना लगाया जाता है। जापान में हिट एंड रन के मामलों में पीड़ित की मृत्यु होने पर दोषी को 7 साल की सजा और 10,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। चीन में हिट एंड रन के मामलों में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जर्मनी में हिट एंड रन के मामलों में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को 5 साल की सजा का प्रावधान है। यही नहीं, इस देश में अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना का चश्मदीद है और वो पीड़ित की मदद नहीं करता है तो उसे भी 1 साल की सजा हो सकती है। यानी इन देशों में भी किसी व्यक्ति को टक्कर मारकर भागने वाले चालक को गंभीर अपराध का दोषी माना जाता है। यही नहीं, इस तरह के मामलों को असंवेदनशील माना जाता है। भारत में अभी तक हिट एंड रन की गंभीरता को नहीं समझा गया था। ज्यादातर मामलों में चालक एक्सीडेंट के बाद भाग जाते थे। वो ये मानते थे कि वो किसी व्यक्ति की जान लेकर बच निकलेंगे। नए कानून के बजाय पुराना कानून हिट एंड रन के आरोपियों को इसलिए पसंद होगा क्योंकि उसमें सजा कम मिलती थी। पहले हिट एंड रन के मामलों को अलग कानून से नहीं देखा जाता था। दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों में 3 धाराओं के तहत कार्रवाई होती थी। धारा 279, इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर लापरवाही से वाहन चलाने और मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करने के मामले में 6 महीने की सजा और जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान था। इसके अलावा धारा 304A के तहत लापरवाही की वजह से हुई दुर्घटना में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को अधिकतम 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। कई गंभीर मामलों में धारा 304B के तहत भी कार्रवाई की जाती थी जिसमें 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान था। धारा 338 के तहत दुर्घटना में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो तो ऐसी स्थिति में दोषी को 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। यानी सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को हिट एंड रन के मामले में पीड़ित की जान बचाने से ज्यादा चिंता ज्यादा सजा ना होने की है। नए कानून खत्म किए जाने की मांग हिट एंड रन जैसे मामलों में बढ़ावा देने जैसा लग रहा है। किसी अपराध की सजा जितनी कम होती है उस अपराध की रफ्तार में तेजी भी आ सकती है। सख्त सजा का डर लोगों को सड़क पर ज्यादा जिम्मेदारी से चलने पर मजबूर करेगा और इसमें ट्रक बस या डंपर चालकों को ज्यादा जिम्मेदारी बरतनी पड़ेगी। यहां हम आपको एक और जानकारी दे दें कि हिट एंड रन के मामले में धारा 106(2) के तहत कार्रवाई हुई तो आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी। धारा 106(2) गैर जमानती धारा है। इसी तरह से धारा 106(1) जमानती धारा है। अगर कोई आरोपी दुर्घटना के बाद पीड़ित को मदद पहुंचाकर या पुलिस को सूचना देता है तो ऐसे मामले में उस पर धारा 106(1) के तहत कार्रवाई होगी जिसमें सजा भी कम है और इस अपराध में जमानत भी मिल जाएगी।